हैवान ने हैवानियत की हदें पार कर दी हैं। किताब देने के बहाने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, मना करने पर नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की। वहीं पुलिस गंभीरता से इस मामले को लेते हुए छानबीन में जुटी है। इस संदर्भ में पीड़ित नाबालिग लड़की ने बताया कि हम अपने घर पर थे, तभी हमारे गांव का रहने वाला अनिल यादव हमें किताब के बहाने जबरदस्ती कर अपने घर ले गया और दरवाजा बंद कर अपनी माँ के सामने मेरे साथ गलत काम किया। जब मना किया गया तो अनिल और उसकी माँ ने हमें बुरी तरह से मारपीट की, जिससे मेरे शरीर में चोटें आईं। पीड़िता ने यह भी बताया कि थाने में गए थे, थाने के पुलिस के द्वारा हमें अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले पर महिला थाना के एसआई कमल नयन ने बताया कि गया जिले के गुरारू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले पर पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अनिल यादव को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करेगी। क्या हुआ? हम घर में थे तो किताब के बहाने वो लड़का ले गए था। अच्छा, गाड़ी बंद करके माई भी बेस्ती करवाया, फिर मारा गया। फोन था और कहाँ रहता है? गाँव में है। क्या नाम है उसका? अनिल। क्या करता है? तुम्हारे साथ क्या किया है? वो भी बेस्ती कर रहा है, गलत काम किया है। हाँ। और क्या किया है? मारपीट भी किया है। हाँ, दोनों मारा है मिलके। किस लिए? वही पूछा नहीं हुआ था, वही से मारा है। तुम थाना उना में सूचना दी थी? हाँ। क्या कार्रवाई किया होता तुमने? वही कुछ नहीं लिखा है। अब क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ गलत तो केस करने चाहते हैं आप? क्या चाहती हो उस जो तुम्हारे साथ गलत किया है? क्या उस लड़के के लिए क्या मांग करोगे, क्या सजा हो? सजा ही दिलवाएंगे आप से। किताब के बहाने से घर से घींच के लेके गया है और गलत किया है, गलत घर पकड़ किया है और मारपीट किया है। गलत किया है? गलत अथी किया है, गलत काम किया है, किया है और मारपीट किया है। कौन था वो? कजरेला के अनिल जाधव। अनिल जाधव तो घर से पकड़ के ले गया? हाँ, अपना घर में से घींच के ले गया। थाना में तो कुछ नहीं किया था? रात में लेके थाना में आया था, फिर लेके गया तो बोला कि सुबह में आएंगे। अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की है? पुलिस रात में गया था इलाज कराने के लिए। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? इस तरह की घटना को अंजाम दिया आपके बच्ची के साथ, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या मांग करते हैं आप? उसको कार्रवाई किया जाए और उसमें इलाज के संबंध में बस हम ये जान रहे हैं कि हम कोर्ट के कार्य से आए हुए थे, तो मेरे महिला थाना अध्यक्ष महोदय जो है बताए फोन करके जी कि कमल जी प्रभावती में गुरारू से एक पीड़िता आई हुई है, उसके साथ बलात्कार होने की बात कहा गया है। तो हम आए हैं तो पीड़िता से जो है जानकारी लिए, ये सारी बात बताए कि हमको सामने जो है आपको एक लड़का किताब के बहाने बुलाया और उसके बाद घर में ले जा करके बंद करके मेरे साथ जो है शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद फिर विरोध करने को जो है बुरी तरह से मार किया। कितने साल की बच्ची है? बच्ची करीबन लगता है 15 या 16 साल। नाबालिग है? हाँ। आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अब जो है ये महिला थाना में इसका केस होने जा रहा है, ठीक है, और जो है केस होने के बाद जो है फिर इनका जो कानूनी प्रक्रिया है वो हम लोग। आरोपी कहाँ का है सर? आरोपी भी गुरारू का ही रहने वाला है। गुरारू का ही? हाँ, गुरारू का। क्या पहले से जान पहचान था उनके दोनों में? हाँ? ऐसा तो कुछ नहीं जानकारी मिला है। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।